हमारा आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कहीं कहीं जगह आप पढ़ोगे परफॉर्मेंस की जगह लिखा होगा डिस्चार्ज। बेसिकली ये मतलब होता है इसमें जो भी पार्टीज होती हैं एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उनका एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि जो भी आपको परफॉर्म करना है एक्ट वो आप परफॉर्म करो। जैसे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं और ए को डिलीवर करने हैं गुड्स और बी को पैसे देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक लीगल ऑब्लिगेशन पे आते हैं कि ए को गुड्स देने ही हैं और बी को उसके रिटर्न में मनी देना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं कि कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो सकता है। सबसे पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको, अपनी ऑब्लिगेशन को, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हो, यही होता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस दो टाइप्स का हो सकता है, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है यानी कि ए ने गुड्स दिए बी को, बी ने उसके रिटर्न में पैसे दे दिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस डन। दूसरा हो सकता है अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है कि ए ने तो गुड्स दिए बट बी ने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे अटेम्प्ट तो किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो, जो भी ड्यूटी है वो परफॉर्म हो, बट बी ने वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया। सेकेंड आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 62 के अंदर डिफाइंड है। इसमें जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ना करके म्यूचुअल कंसेंट से या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अल्टरेशन होता है, उसमें कुछ चीजें चेंज की जाती हैं, या फिर उसको रेमिट कर दिया जाता है, या फिर उसका रिफंड ले लिया जाता है। कैसे होता है, इसके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा नोवेशन। इसमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से कैंसिल माना जाता है, डिस्चार्ज माना जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, नोवेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट से, सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर द ओल्ड वन। तो इस केस में न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया और उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए पार्टीज के। नेक्स्ट है रिसेशन, या हम इसको बोल सकते हैं रिमिशन। रिमिशन का बेसिकली ये मतलब है कि इसमें आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला रहे हो, जो आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसी की कई कई चीजें, कई कई टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो और बाकी चीजों को रिजेक्ट कर रहे हो, बाकी चीजों को आप अपने कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, ठीक है। लेकिन इसमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है, बस जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। थर्ड है अल्टरेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, या हम कह सकते हैं चेंजेस कर रहे हैं उसमें। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े से चेंजेस करके जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है विद द चेंजेस, ठीक है। तो तीन प्रिंसिपल हैं जिसमें ये म्यूचुअल कंसेंट से डिस्चार्ज किया जा सकता है, नोवेशन, रिसेशन और ऑल्ट्रेशन। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसे कई बार केसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से जो परफॉर्म करना होता है हमें कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं हो सकता। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि अनफोर्सीन चेंज इन लॉ, हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन एक चेंज आ गया है लॉ में, अनफोर्सीन चेंज इन लॉ, ठीक है, या फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है जैसे कि गुड्स हैं वो खराब हो गए, तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, खराब हो गए गुड्स, जो भी हमें डिलीवर करने थे वो गुड्स खराब हो गए, तो परफॉर्मेंस नहीं हो सकता आप कॉन्ट्रैक्ट का। या फिर ऐसा हो सकता है कि वॉर डिक्लेयर हो जाए, जहां पर हमें गुड्स पहुंचाने थे वहां पर अब हम नहीं पहुंचा सकते, तो ऐसा कोई भी चीज हो जाना जिससे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो परफॉर्म करना, ठीक है। सेकेंड है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। हमने ये पहले पढ़ा है कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो भी टाइम स्पेसिफाई किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में उसी टाइम में हमें कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीट कर लेना चाहिए, अदरवाइज लैप्स ऑफ टाइम हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। देन आता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ब्रीच का मतलब होता है धोखा देना। क्या मतलब होता है धोखा देना, इसमें अलग अलग प्रोविजंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप्स का होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच एंड दूसरा होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच।
एक्चुअल ब्रीच में एट द टाइम जब आपको वो परफॉर्मेंस करना है उसी टाइम पे आप उसका परफॉर्मेंस नहीं करते हो, जो भी आपका ऑब्लिगेशन है, जो भी आपको वर्क करना है वो आप नहीं करते हो, तो आप उसी टाइम एक्चुअल ब्रीच कर रहे हो, एक्चुअल धोखा दे रहे हो। एंटिसिपेटरी होता है उस स्पेसिफाइड डेट, जो भी जिस डेट पे भी आपको वो काम करना था उससे पहले, बिफोर स्पेसिफाइड डेट आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहते कंटिन्यू, तो ब्रीच हो गया एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब सेकेंड हमारा फर्स्ट हो गया एक्चुअल ब्रीच। एक दो एग्जाम्पल आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। एक एग्जाम्पल हुआ कि ए ने बी को गुड्स देने थे, ठीक है, और बिफोर परफॉर्मेंस ए की डेथ हो, ठीक है, डेड हो गया ए। अब इस केस में क्योंकि हमें गुड्स तो बी को देने ही हैं और बी ने हमें मनी देना ही है, तो इस केस में जो भी ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इस कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ए का, वो गुड्स बी को डिलीवर करेगा और उससे पैसे लेगा। एक एग्जाम्पल ऐसा आता है कि ए ने बी का पिक्चर ड्रॉ करना था, ठीक है, पेंटर है ए और बी उसका कस्टमर। पहले ही बोला गया है कि ए पिक्चर ड्रॉ करेगा बी का। अगर उस डेट में, उस दिन ए की डेथ हो जाती है, ठीक है, ए डेड हो गया, तो इस केस में कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आकर पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता कि ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके कहता है कि मैं ड्रॉ करूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी कई सर्विसेज हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना नहीं परफॉर्म होता, और कई कई केसेस हैं जहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, या तो प्रोमिसर हिमसेल्फ, ठीक है, या तो प्रोमिसर का एजेंट, जो भी उसका एजेंट है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, थर्ड पर्सन। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए बी सी तीन लोग हैं, बी ने ए को पैसे देने थे क्योंकि उसने उसको गुड्स डिलीवर किए थे, लेकिन वो पैसे सी ने ऑन द बिहाफ ऑफ बी पैसे दे दिए, तो अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो सी ने करी है कंप्लीट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ बी। जॉइंट प्रोमिसर्स, हो सकता है कि बहुत सारे प्रोमिसर्स हों, ए और बी कंपनी है, ये प्रोमिसर है, सिर्फ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे जॉइंट प्रोमिसर है, हो सकता है कि अगर ए परफॉर्म नहीं कर रहा उस प्रोमिस को तो बी करे।